नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज और आज हम देखने वाले हैं संपत्ति के अधिकार और 9वीं अनुसूची के बारे में। अब आप कहोगे सर बड़े दिनों बाद में जो है वापस हम आपने सीरीज शुरू की है, तो माफ़ी चाहता हूँ। मेंस जो है वो चल रहे थे और मेरा मेंस था आईएएस वाला, तो उसकी वजह से मैं नहीं ले पाया लेक्चर्स, मगर अब मेंस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, छुट्टियां भी खत्म हो चुकी हैं और अब हम जो है वापस से अपनी सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम अपनी पॉलिटी खत्म करेंगे, है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है ऑलरेडी हम समाप्त कर ही चुके हैं, हम हिस्ट्री करेंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर करेंगे, है ना, इस प्रकार से इकोनॉमिक्स करेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट जो है हम करते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था स्वतंत्रता का अधिकार और वहां पर जब मैं आपको आर्टिकल 19 पढ़ा रहा था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 19 में शुरुआत में मूल रूप से 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, है ना। और वो मूल अधिकार में एक मूल अधिकार क्या हुआ करता था, उसमें एक संपत्ति का अधिकार भी आया करता था, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था ना। परंतु बाद में हमने देखा कि इसको 44th अमेंडमेंट के माध्यम से इसको हटा दिया जाता है, और हटा के कहाँ डाल दिया जाता है, इसको आर्टिकल 300, माफ कीजिएगा, इसको डाल दिया जाता है अनुच्छेद 300A में, है ना, 300A में इसको संपत्ति के अधिकार को डाल दिया जाता है ना। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से 9वीं अनुसूची आई, है ना, वो सब चीजें आज के इसमें हम देखेंगे, है ना। तो भाग 3 में जो 7 मूल अधिकार दिए गए थे उनमें से एक संपत्ति का अधिकार भी उस टाइम पे हुआ करता था, है ना। वन जो चा है उसके अंतर्गत हुआ करता था, और 31 अनुच्छेद 31 जो है उसमें भी वर्णित हुआ करता था, परंतु बाद में इसको हटा दिया गया है, हमने ऑलरेडी ये सब चीजें डिस्कस करी है ना। स्लाइड्स आगे कैसे चली जा रही हैं? हाँ जी, ठीक है। अनुच्छेद 19 में क्या लिखा हुआ था कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने, उसे रखने और निपटाने की उसको स्वतंत्रता है, उसको संविधान गारंटी देता था, है ना। और अनुच्छेद 31 में क्या लिखा हुआ था, कोई भी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, उसे अपनी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा, ऐसा हमारे यहाँ संविधान ने ऐसी गारंटी हमें दी थी, है ना। और इस व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, इस व्यवस्था का मतलब हुआ कि बिना कोई विधि बनाए, कोई भी विधि सम्मत कारण के बिना आपसे आपकी संपत्ति जो है वो कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे वो राज्य हो या कोई निजी व्यक्ति हो, है ना। अब देखिए, दो आधार पर यहां पर संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। कौन से दो आधार है, एक तो इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लिया जाए, है ना, और दूसरा क्या था कि यहां पर क्षतिपूर्ति दे दी जाए मालिक को, भाई आपका इतना बड़ा भूमि का टुकड़ा है और हमने कह दिया भाई आपको यहां पर हम 2 लाख दे देंगे, 5 करोड़ दे देंगे, और आप जो है वो संपत्ति ले सकते हैं। ये इस दो आधार के आधार पर जो है आपकी संपत्ति जो है वो अधिग्रहण की जा सकती है। भाई अगर आपको संपत्ति किसी की अधिग्रहण करनी है, तो एक तो भाई आपको हरजाना इसे देना ही चाहिए, और दूसरा वो किसी सार्वजनिक उद्देश्य के काम में आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, जब से हमारा संविधान लागू हुआ, कब से हुआ, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, और जैसे संविधान लागू हुआ संपत्ति का जो अधिकार है वो विवादास्पद बन गया। अब आप कहोगे सर विवादास्पद कैसे बन गया, देखो स्वतंत्रता से पहले क्या हुआ करता था अपने यहाँ, जमींदार हुआ करते थे, है ना। वो जमींदार जो है वो हमने जब इतिहास जब हम पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तब हमने आपको बताया था स्थाई बंदोबस्त वाली व्यवस्था, रैयतवाड़ी वाली व्यवस्था, है ना, महालवाड़ी वाली व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। स्थाई बंदोबस्त में क्या हुआ करता था, जो जमींदार होता था वो बोली लगाता था और उसके थ्रू जो है फिर राजस्व जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये जो जमींदार वगैरह थे बड़े बड़े, उनके पास बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास संपत्ति बिल्कुल भी नहीं थी। भाई यहाँ पर इनके खेतों में जो काम करते थे, जो कृषक थे भूमिहीन, वो तो इनके खेतों में काम करते थे, वो तो भूमिहीन मजदूर हुआ करते थे बेचारे, है ना। तो ये जो है हमारे यहाँ फिर समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई, और समाजवादी जो है वो रुख जो है हमारे संविधान ने अपनाया ही है। तो इस वजह से है संविधान लागू होने के समय से ही संपत्ति का अधिकार जो है ये विवादास्पद बना रहता है। अब यहां पर बाद में देखिए संसद के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में यहां पर विवाद होना शुरू हो जाते हैं, कि संसद इस कुछ और कहती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है, इस प्रकार से यहां पर काम हो जाता है ना।
और इन्हीं विवादों को निपटाने के लिए देखिए फिर यहाँ पर बहुत सारे संविधान संशोधन किए जाते हैं, जैसे कि पहला संविधान संशोधन, चौथा, सातवां, 25वां, 39वां, 40वां, 42वां, इस प्रकार से बहुत सारे अनुच्छेद के जो है माफ कीजिएगा, बहुत सारे संशोधन किए जाते हैं और अलग अलग जो है अनुच्छेद संविधान में जोड़ दिए जाते हैं, जैसे 31A, 31B, 31C वगैरह यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं, है ना। और समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी यहाँ पर अपने निर्णय देता रहता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है जब हम पढ़ेंगे, जब हम DPSP पढ़ेंगे, उन DPSP वाले लेक्चर में हम जो है ये पूरे विवाद जो है पूरे विस्तार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से 1951 में चंपकम दोराईजन वाला मामला आता है ना, शंकरी प्रसाद बना शंकरी प्रसाद वाला मामला आता है ना, फिर किस प्रकार से गोलक 1967 में गोलकनाथ वाला मामला आता है, ये इंपॉर्टेंट है ये पूरे केसेस, है ना। फिर केशवानंद भारती वाला आता है 1973 में, है ना। 1980 में मिनरवाल मिल्स वाला मामला आता है, 2007 में IR कोहिलो वाला मामला आता है, और ये IR कोहिलो वाले मामले को तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये मामला है इसको तो UPSC ने मेंस में सीधा सीधा पूछ लिया था, IR कोहिलो केस क्या है ना। और आजकल अगर आप मेंस का ट्रेंड देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि पॉलिटी में खासकर से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। ठीक है साहब, आगे आ जाते हैं, कीजिएगा। हाँ जी, अब देखो इस प्रकार से 44वां संविधान संशोधन कर दिया जाता है और इस संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर 19A 4 से और 31 से जहाँ पर निरस्त कर दिया जाता है। निरस्त का मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ से डिलीट कर दिया इनको, अब ये क्या रह गए, मूल अधिकार नहीं रह गए, है ना। और इनको कहाँ पर डाल दिया जाएगा, डाल दिया गया भाग 12 के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इनको डाल दिया गया। तो ऐसा क्वेश्चन UPSC ऑलरेडी पूछ चुकी है ना। तो इनको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले चैप्टर से निकाल कर डाल दिया गया अनुच्छेद 300A में, है ना। अब जो है ये कोई मूल अधिकार नहीं रह गया है ना। साथ ही साथ देखो, अब इसको मूल अधिकार तो नहीं रहा अब संपत्ति का अधिकार, पर ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी आएगा और आपकी संपत्ति हड़प कर लेगा। अब इसमें अभी भी जो है आपके कानूनी प्रावधान तो है ही है कि कोई भी व्यक्ति जो है कानून के बिना आपको आपकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा, है ना। तो अब संपत्ति का अधिकार जो है, हालांकि अभी भी एक संवैधानिक अधिकार तो ये है। संवैधानिक अधिकार कैसे भाई, है तो संविधान के अंतर्गत ही ना, मूल अधिकार नहीं हुआ तो क्या हुआ, है तो संविधान के अंतर्गत ही, इसलिए संवैधानिक अधिकार तो है, परंतु अब ये कोई मूल अधिकार नहीं रहा, है ना। इस प्रकार अब संपत्ति का अधिकार क्या रह गया, एक विधिक अधिकार रह गया, यानी लीगल राइट्स, क्या रह गया, लीगल राइट। अब आप कहोगे सर इतना क्यों बता रहे हो जाके, ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि UPSC यहां से क्वेश्चन पूछ चुकी है सीधा सीधा कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, उसमें दे दिया मूल अधिकार ए, बी में दे दिया विधिक अधिकार लीगल राइट्स, है ना। इस प्रकार से देता गया वो, है ना, उसका आंसर क्या आएगा, लीगल राइट। अब जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा वो आदमी गलत कर देगा कि मूल अधिकार लिख देगा, कुछ और लिख देगा। तो अब अगर UPSC या किसी एग्जाम में पूछे कि संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है तो क्या है, अब ये एक विधिक अधिकार यानी लीगल राइट है आपका, आपका लीगल राइट है संपत्ति का अधिकार। आप संपत्ति का अधिकार का हनन होने पर कोर्ट जा सकते हैं, मगर इस प्रकार से नहीं जा सकते, ये कह के नहीं जा सकते कि साहब हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है ना। संपत्ति का अधिकार अभी भी अपने यहां लागू है। संपत्ति का अधिकार को अभी कैसे लागू किया जाता है, देखो यहां पर देखो, साधन साधारण संसद के साधारण कानून के द्वारा अब इसको नियमित किया जाता है, और अगर सामान्य मूल अधिकार जो होते हैं उनके अंतर्गत तो अगर चेंज करना हो तो साधारण कानून से नहीं होगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा अगर उनमें कुछ चेंज करना है तो, है ना। तो पानी पी लो एक बार, ठीक है। दूसरा क्या है, ये कार्यकारी प्रक्रिया के खिलाफ इस जो है निजी संपत्ति की रक्षा करता है, विधायी कार्य के खिलाफ नहीं, इसका मतलब समझ रहे हो, जो मूल अधिकार है उनका तो विधायी कार्य के खिलाफ भी उनको तो जो है सुरक्षा प्राप्त है, यानी कोई कानून बनाकर भी मूल अधिकार को छीन नहीं छीन सकता, परंतु ये तो अब मूल अधिकार रहा नहीं, क्या रहा है, ये विधिक अधिकार रहा है। तो इस विधिक अधिकार को सरकार की कार्यकारी प्रक्रिया के खिलाफ ही कानून जो है वो सुरक्षा प्राप्त है, यानी सरकार अपनी मनमर्जी से आपकी संपत्ति नहीं छीन सकती कि आपने सरकार के खिलाफ बोल दिया सरकार आपकी संपत्ति छीन ले, ऐसा नहीं, वो संपत्ति आपकी तभी छीन सकती है सरकार जब सरकार ऐसा कोई कानून पारित करवा दे संसद से, तभी आपकी वो संपत्ति
खरीदी जा सकती है। समझ में आई ये वाली बात? ठीक है साहब, अगला आ जाते हैं। अगर संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता अनुच्छेद 32 के तहत। समझ में आ रही है आपको बात? अनुच्छेद 32 में जब कब जा सकते हैं? जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है ना, तब हम जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, ये जब मैं आपको बता रहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार वाले लेक्चर में, है ना, तो सीधा मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले के जैसे सीधा ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता और रिट जो है यहाँ पर पारित नहीं करवाई जा सकती। पर ये कहाँ जा सकता है? ये अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट को कह सकता है कि साहब हमारे देखो संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो हाई कोर्ट जो है फिर उसमें रिट जारी कर सकता है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा मामलों में रिट जारी करने का अधिकार है। हमने पढ़ा था उस वक्त भी, और जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे, तब भी हम ये देखेंगे कि हाई कोर्ट जो है इस मामले में रिट जारी करने के मामले में इसका क्षेत्राधिकार ज्यादा व्यापक है सुप्रीम कोर्ट से, है ना। तीसरा, अब अगर राज्य कोई निजी संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो हर्जाने देने की कोई गारंटी नहीं है। यानी राज्य जो है, यानी राज्य का मतलब हो गया सरकार, सरकार चाहे तो आपकी संपत्ति ले सकती है और आपको कोई हर्जाना भी नहीं दे। अगर वो चाहे, सरकार चाहे कि भाई हमें कोई हर्जाना नहीं देगा, कोई हर्जाना नहीं देना हमें, तो वो कोई हर्जाना नहीं भी दे सकती। समझ रहे हैं आप बात? आपको, आपसे बिना पैसा आपको दिया आपकी संपत्ति हड़प कर सकती है। क्यों कर सकती है? पहले मूल अधिकार था तो नहीं कर सकती थी, अरे ये हर्जाना देना जरूरी था, परंतु अब जो है वो बिना हर्जाने के भी आपकी संपत्ति सरकार ले सकती है। परंतु ऐसा वो दो मामलों में नहीं कर सकती, यानी ऐसा दो मामलों में नहीं कर सकती कि बिना हर्जाने दिए वो आपकी संपत्ति ले ले। कौन सा दो मामले? एक तो वो जो संपत्ति है वो किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की हो, है ना। अल्पसंख्यक मतलब, अल्पसंख्यक मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 2930 जब मैं आपको पढ़ा रहा था, है ना, जब मैंने आपको बताया था कि सिख, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, जैन, बौद्ध, ये क्या है अपने यहाँ? ये हैं अल्पसंख्यक। अक्सर लोग जो है अल्पसंख्यक के का नाम जब सुनते हैं तो सिर्फ मुस्लिम समझ लेते हैं, नहीं, ये सब भी अल्पसंख्यक है भारत में, पारसी भी अल्पसंख्यक है ना। तो अगर किसी अल्पसंख्यक वर्ग का कोई शैक्षणिक संस्थान है, उसकी संपत्ति है, तो आप जो है नहीं हड़प कर सकते। अगर आप हड़प करोगे तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा। दूसरा, अगर ऐसी कोई संपत्ति है जिस पर किसान फसल उगा रहा हो, तो वैसी संपत्ति को भी सरकार बिना हर्जाने के नहीं हड़प सकती है, बिना हर्जाना दिए वो जो है सरकार नहीं ले सकती है। इसीलिए तो लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया गया था 2013 के अंतर्गत, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो यहाँ पर लाया गया था, है ना, ताकि सरकार जो है वो भूमि अधिग्रहण कर सके। जैसे हाईवे वगैरह बनाना है, कुछ डेवलपमेंटल कार्य करना है, तो उसके लिए भूमि की जरूरत होती है, और भूमि भाई साहब किसानों की है, तो किसानों की भूमि संविधान उनको गारंटी देता है इस मामले की, भाई बिना हर्जाने के नहीं दे सकते, मार्केट वैल्यू पे आपको हर्जाना देना पड़ेगा, है ना, तो आप किसानों से ले नहीं पाओगे, इसमें देरी हो जाएगी, है ना। तो इन दो मामलों में जो है वो जबरदस्ती सरकार नहीं कर सकती, बिना हर्जाने के नहीं दे सकती, है ना, ठीक है ना। अब देखो ये जो पहली व्यवस्था है ये वाली, इस व्यवस्था को कहां पर जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ा गया था। और जो दूसरी व्यवस्था है उसको तो 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1964 में ही जोड़ दिया गया था, है ना। और इस प्रकार से देखो अनुच्छेद 31A, 31B और 31C को मूल अधिकारों के प्रतिवाद के रूप में स्थापित कर दिया गया, यानी कि मूल अधिकारों से अलग इनको रख दिया गया। अगर इनके बीच में कोई आप कहो कि कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है, तो ये जो है अनुच्छेद 31 का ख और गा जो है ये यहाँ पर थोड़ा आप कहो कि भारी पड़ेंगे मूल अधिकारों पे, ठीक है ना। अब देखो मूल अधिकारों के हम अपवाद देख लेते हैं। अब तक हमने मूल अधिकार पढ़े, सारे मूल अधिकार हमने पढ़ लिए अनुच्छेद 32 तक। अब कुछ ऐसी भी चीजें हैं, ऐसे भी कुछ उपबंध हैं, ऐसे भी कुछ उपबंध हैं जो मूल अधिकारों का जहां पर अपवाद के तौर पे वो देखे जा सकते हैं कि नहीं भाई हाँ यहां पर मूल अधिकार लागू नहीं होंगे, है ना। कौन से? एक अनुच्छेद 31 का, अब देखिए हम अनुच्छेद 31A, B और C के बारे में पढ़ेंगे, और इन्हीं में जब जो है 9th शेड्यूल देखेंगे, 9वीं अनुसूची देखेंगे, है ना। अनुच्छेद 31 जो है वो हमें पांच ऐसे श्रेणियां बताता है। कितनी बताता है अनुच्छेद 31? हमें ऐसी पांच श्रेणियां बताता है, माफ कीजिएगा,
अनुच्छेद 31 हमें ऐसी पांच श्रेणियां बताता है जहां पर वो अपवाद हो जाती है मूल अधिकारों की, है ना, जिनको अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष क्षमता और अनुच्छेद 19 मतलब वाक और स्वतंत्रता वाली जो स्वतंत्रता है उन उनका हम ऐसा कहेंगे कि भाई इन दोनों अधिकारों का उल्लंघन करती है इसलिए इनको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। अपवाद का मतलब तो आप समझते हो, है ना, तो इनको अवैध नहीं ठहराया जा सकता या चुनौती नहीं दी जा सकती कि भाई अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करते हैं। तो ये पांच कौन कौन सी हो गई, देखो पहला हो गया राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और संबंधित अधिकार, यानी राज्य अगर संपदाओं का अधिग्रहण करे तब राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभाल लेने पर, यानी राज्य खुद ही संपत्ति का दायित्व संभाल ले कि भाई आपके बस की बात नहीं हम संभाल लेंगे। जैसे नेशनलाइजेशन वगैरह किया जाता है तो क्या किया जाता है, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया 1967 में, है तो क्या किया गया था उस वक्त, क्या किया गया था, बैंकों को सरकार के कब्जे में ले लिया गया था। तो अब कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि भाई देखो नहीं ये तो हमारे थे निजी थे और सरकार ने ये ले लिए, है ना, क्योंकि ये अपवाद है मूल अधिकारों के, आपका मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ ही नहीं, ये अपवाद है ना। और क्या है, निगमों का सम्मिश्रण कर दिया गया, यानी आप जो है दो या दो से अधिक निगम कोई है ना, कॉरपोरेशन है गवर्नमेंट के, उनको आप मिला दोगे एक में मिला दोगे, है ना, ऐसा मिला दिया जाता है, जैसे दो बैंक में मिला दिए जाते हैं, जैसे एसबीआई था और एसबीआई और इसकी जो पांच शाखाएं हुआ करती थी एसबीबीजे, है ना, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर वगैरह ऐसे, तो उनको मिला के एक मिला दिया गया, भारतीय महिला बैंक जो थी उसको भी इसमें मिला दिया गया था, है ना। इस प्रकार से जो निगम है उनके शेयर धारक हो गए, शेयर होल्डर्स हो गया, या उनके डायरेक्टर्स हैं, उनके अधिकारों के अगर पुनर्निर्धारण कर दें या उनको समाप्त भी कर दें, तो जैसे यस बैंक था तो यस बैंक में घोटाला हुआ, तो यस बैंक में घोटाला होने के बाद में इसके बोर्ड को हटा दिया गया, है ना, हटा दिया गया ना, वो कौन सा राणा कपूर कौन थे, हटा दिया गया यस बैंक वालों को उनको, और तो यानी अब उनके अधिकारों का पुनर्निर्धारण हो गया, या ऐसे भी कहा जा सकता कि भाई आपके अधिकार सब समाप्त हो गए यहाँ से। कोई खनन पट्टा है ना, उस खनन पट्टे को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है या उसकी समाप्ति की जा सकती है सरकार के द्वारा कि भाई अब जो है हम ये पट्टा किसी और कंपनी को दे रहे हैं या आपका पट्टा जो है समाप्त हो गया, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये जो पांच आपको अपवाद दिखे ये हैं संपत्ति के अधिकार के अपवाद, हालांकि ये सीधे सीधे आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, है ना, इसलिए हम ज्यादा यहाँ पर ध्यान भी उतना नहीं देंगे कि मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि मूल अधिकार का अपवाद क्या है, पर आपको एक ओवरऑल आपको के अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने में ये आपको चाहिए ही चाहिए ये सब चीजें, है ना। इस प्रकार से देखो ये हमें पांच अपवाद यहां पर देखे जाते हैं। अब देखो ये तो था अनुच्छेद 31 का प्रावधान, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 31 खा, नौवीं अनुसूची जो हम पढ़ेंगे ना वो नौवीं अनुसूची इसी अनुच्छेद 31 खा यानी 31 बी 31 बी जो है उसके प्रावधानों के अंतर्गत बनाई गई है। यहां पर क्या लिखा गया है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। इसका मतलब क्या होगा कि इस अनुच्छेद 31 खा के तहत जो जो प्रावधान डाल दिए गए हैं अब उनका विधिमान्यकरण हो गया, यानी अब वो लीगल हो गए, चाहे वो अगर नॉर्मल देखे तो वो इलीगल हो, है ना। जैसे मान लो आप ऐसे हो कि आपका ये घर है, इस घर का ये कोना है, ठीक है, अब आप कहोगे आपने अगर शैतानी करी यहां, शैतानी करी यहां, शैतानी करी यहां, शैतानी करी तो मम्मी से यहां मार आप खाओगे, परंतु अगर आप यहां पर आके छुप गए, है ना, चाहे भले फिर आपको मम्मी देख भी ले तो आपको मार नहीं पड़ेगी, ये तो ये बॉक्स सा जो बना है ना इसमें अगर आप आगे छुप गए तो आपको मार नहीं पड़ने वाली है, समझ गए आप। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है ना जिसमें आपको मार नहीं पड़ेगी यही है नौवीं अनुसूची नाइन्थ शेड्यूल, है ना, ऐसा एक बॉक्स बना दिया गया जिसका नाम है नाइन्थ शेड्यूल। और अगर मान लो किसी भी अधिनियम विनियम को सुप्रीम कोर्ट के समीक्षा से बचाना है और उसको इलीगल होने से बचाना है तो आप डाल दो इसके अंतर्गत लाके, है ना, एक्ट इसके अंतर्गत लाके डाल दे, अब सुप्रीम कोर्ट देख भी लेगा भाई ये इलीगल है पर अब इसको कोई को छेड़गा नहीं, नहीं कर सकता, यानी मम्मी को पता है शैतानी करके आया है मगर इस बॉक्स में आके छुप गया है, मतलब अब जो है अब आपको मार नहीं पड़ने वाली है। आप समझ लो कि आप दादी के पास जाके छुप गए वही बॉक्स है तो अब आपको मार नहीं पड़ेगी, वैसा ही है ये नाइन्थ शेड्यूल, है ना, ठीक है। तो ये जो है नियमों को व्यावृत्ति प्रदान कर देता है। इस तरह अगर हम देखें तो अनुच्छेद 31 का जो खा जो है वो का से ज्यादा विस्तृत देखा जाता है। क्यों उसको विस्तृत माना जाता है, क्योंकि 31 का के अंतर्गत तो क्या था, पिछले जो हमने पढ़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ पांच अपवाद बताए गए थे, पर यहां पर पांच अपवाद नहीं है, इसके अंतर्गत आप कितने भी डाल दो वो सारे के सारे जो है आपके पास जो है वो फिर लीगल रहेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखो आईआर कोहिलो केस जो था 2007 में, ये यही आईआर कोहिलो केस जो था
ये सीधा सीधा यूपीएससी ने पूछ लिया था, आईआर कोहिलो केस, है ना, ये याद रखना आपको। आईआर कोहिलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपने ये बॉक्स बना दिया और इसमें आप जो एक्ट डाले जा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे के सारे लीगल ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, अगर हमें लगा कि इस बॉक्स में कुछ गलत है तो वो भी हम बाहर निकाल के देखेंगे, और अगर वो इलीगल हुआ तो हम उसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत उसको नल एंड वॉइड करार दे देंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, न्यायिक समीक्षा जो है वो हमारा क्या है, मूल ढांचे का पार्ट है, मूल ढांचे का पार्ट है न्यायिक समीक्षा, इसलिए हम न्यायिक समीक्षा के तहत जो है इसको इलीगल करार दे देंगे। पर फिर जो है ये तर्क आया कि सर मूल ढांचा तो बहुत बाद में आया, संविधान लागू होने के बाद में। तो भाई सवाल पूछा गया कब आया, तो आया 24 अप्रैल 1973, ये डेट आप याद रख लेना, 24 अप्रैल 1973। क्या हुआ था इस दिन, इस दिन आया था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, ये वाद आया था सुप्रीम कोर्ट में। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, जिसका कोई भी सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती है ना, चाहे आपके पास कितनी मेजोरिटी हो, आप जो है संविधान के इस मूल ढांचे को तो नहीं बदल पाओगे। जैसे अब हमारे यहां होता है कि भैया हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, तो नहीं, हम हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता जो है वो हमारे संविधान का मूल ढांचा है। अगर अगर आपने हिंदू राष्ट्र बनाया मतलब धर्मनिरपेक्षता तो खराब, खत्म, इसलिए आप जो है हिंदू राष्ट्र भारत को नहीं बना सकते। मैं तो कहूँ किसी भी एक धर्म का तो राष्ट्र होना ही नहीं चाहिए, हमें ऐसे बनना भी नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, हम धर्मनिरपेक्ष ही ठीक। हिंदू राष्ट्र बनने वाले, या आपको हो कि किसी एक धर्म के नाम पर बनने वाले देशों का क्या हाल है, अपने से थोड़े से पश्चिम में जाओ और वहां तक भूमध्य सागर जो है वहां तक अगर आप देखोगे देश, तो सब सारे देशों की हालत खराब है, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामले में 24 अप्रैल 1973 को कहा गया था कि भाई इसके बाद मूल ढांचा आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आईआर कोहिलो केस में यह कहा 2007 में कि भैया ये जो 24 अप्रैल 1973 तक का आप देख लो, इससे पहले जितने भी आपने केस इस बॉक्स में डाल दिए 9वीं अनुसूची में, उनको हम हाथ नहीं लगाएंगे। परंतु अगर आपने 24 अप्रैल 1973 के बाद में अगर कोई अधिनियम वगैरह को डाला है 9वीं अनुसूची में, तो हम भाई उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, और अगर वो संविधान के उपबंधों के खिलाफ हुआ तो हम उसे नल एंड वॉइड भी करार दे सकते हैं। तो यही था आईआर कोहिलो केस, यूपीएससी ने शायद 2016 या 17 के किसी एग्जाम में पूछ लिया था, मेंस में सीधा सीधा। अब लोगों को पता ही नहीं लगा कि ये आईआर कोहिलो केस क्या है ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डिसीजंस जो है वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं, है ना। और अब देखो ये 9वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी, तो ये जोड़ी गई थी फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से, कब, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। और पहला संविधान संशोधन हुआ कब था, 1951 में। तो यूपीएससी ने प्री में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था इनडायरेक्टली, क्या क्वेश्चन, कि 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देख रहे हो कितना, अब इसमें आप जिसको पता है उसको तो इजी लगेगा, मगर ये है बड़ा ही घुमावदार क्वेश्चन है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची क्या है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब लाई गई थी, तो 1951 में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का क्रम भी आपको याद होना चाहिए, तो 1951 में प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, है ना, तो नेहरू जी अपने प्रधानमंत्री उस काल में हुआ करते थे। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने शायद 2018 या 19 में कुछ ऐसा एक बार यूपीएससी ने प्री में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना। तो 1951 में जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उस टाइम इसमें 13 अधिनियम मात्र थे, लेकिन अब इनकी संख्या हो गई है 282। कब तक, 2016 तक। और ये लाई किस लिए गई थी, ये लाई गई थी जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, यानी भूमि सुधार जो हमारे यहाँ किए जा रहे थे संविधान लागू होने के बाद में, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार अपने यहाँ किए गए थे। भूमि सुधार तो मेंस का सीधा सीधा टॉपिक भी है, जिसमें क्या था, जमींदारी जो है उसको उसके ऊपर रोक लगाई जानी थी, है ना, जो ऊपरी सीमा है भूमि की वो यहाँ पर निर्धारित की जानी थी, भूमि की आपको होगी चकबंदी की जानी थी, है ना, ये सब चीजें की जानी थी। आप कहो कि यहाँ पर किराएदारी जो है वो सुधार भी किया जाने थे कि भाई किसी का जो है शोषण ना हो, ये सब जो हुआ करते थे भूमि सुधार। तो जमींदारों की भूमि लेके और गरीबों में बांटना, ये ऊपरी सीमा निर्धारित कर दी थी अलग अलग राज्यों ने कि भाई मान लो कि 200 एकड़, आप इससे ज्यादा आप भूमि नहीं रख सकते, और जमींदारों के पास तो वहां पर हजार हजार एकड़ हुआ करते थे। अब 1000 एकड़ में से आपके पास किसी
किसी जमींदार के पास 200 एकड़ रही, बाकी 800 एकड़ तो चली गई, तो वो कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गया और उसने कहा कि महाराज देखो हमारे तो मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और सरकार जो है वो सब में समानता के आधार पर भूमि बांटना चाहती थी, है ना? क्योंकि नेहरू जी क्या थे? समाजवादी। और समाजवादी क्या चाहते हैं भाई? सब समाज में समानता बनी रहे, कोई ज्यादा ऊंच नीच नहीं रहे। तो ये जब जो है चले गए सुप्रीम कोर्ट में, जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे, और जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा भाई, जो संविधान में लिखा है वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो अनुच्छेद 19 और 31 में सीधा सीधा लिखा है भाई, आप संपत्ति नहीं छीन सकते, मूल अधिकार है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? अपवाद लाएंगे। और अपवाद लाएंगे के लिए क्या किया उन्होंने? 9th शेड्यूल जोड़ दी 1951 में, कहा कि अब इस बॉक्स में हम जो डाल देंगे प्रावधान, उनका जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट, है ना? और इस प्रकार से फिर ये हमारे यहाँ भूमि सुधार किए गए थे। ठीक है, ये हमने देख लिया अनुच्छेद 31 खा के बारे में, 9th शेड्यूल के बारे में भी हमने देख लिया। और हमने ये भी देख लिया कि भूमि के अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार, उसकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है? अब वो एक विधिक अधिकार मात्र रह गया है ना? ये अनुच्छेद, ये केशवानंद भारती केस भी हमने 1973 वाला देख लिया है। एक बार आप शांति से बैठ के पूरी ये जो है PDF पढ़ लेना, है ना? ठीक है। और ये जो केसेस है ना, जैसे मिनरल मिल्स केस है, केशवानंद भारती केस है, आगे आने वाले लेक्चर जब हम DPS पे पढ़ेंगे ना, तो ये पूरे केस मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, एक एक केस, है ना? ठीक है, चलिए जी। अब देखो हम देख लेते हैं यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। वो केसेस मैं इसलिए विस्तार से अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि वो एक एक केस के बारे में पता होना चाहिए कि पहले शंकरी प्रसाद बनाम वाला केस आया, फिर 1967 में गोलकनाथ आया, 1973 में केशवानंद आया, 1980 में मिनर्वा मिल्स वाला आया, ठीक है। फिर अगर हम आ जाते हैं तो SR बोम्मई केस आ जाता है 1994 में, फिर हम देखें 2007 में IR कोहिलो केस आ जाता है। ये केसेस के बारे में हम अगले लेक्चर में, या हम कहें कि DPS वाले लेक्चर में हम देखेंगे आराम से, ठीक है। अब यहाँ के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लें। इन इंडिया इफ ए रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, वॉट स्पेशल एडवांटेजेस इज एंटाइटल्ड टू। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में किसी भी कोई कम्युनिटी है, कोई समुदाय है, कोई पंथ है, अगर उसे हम माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दें, तो उसको कौन से अधिकार प्राप्त हो जाते हैं? कौन सा? इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, अनुच्छेद 30 में हमने देखा था कि वो अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकसभा में कोई भी धर्म के आधार पर हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है ना? लोकसभा में जो एंग्लो इंडियंस को जो एक जो था उसे नॉमिनेट किया जाता था, वो भी हटा दिया गया है अब तो, है ना? और तीसरा है, इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम, है ना? तो अभी आपको पता नहीं होगा 15 पॉइंट प्रोग्राम क्या है। तो ये क्या है? 2005 में जो अल्पसंख्यक हैं, खास तौर से अगर हम देखें मुस्लिम्स, उनके उत्थान के लिए, यानी उनकी शैक्षणिक उत्थान हो, उन एजुकेशनल उत्थान तो हो ही, साथ साथ उनका जॉब वगैरह मिले, है ना, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो अच्छे हों, इसके लिए 15 पॉइंट्स प्रोग्राम लाए गए थे 2005 में। मनमोहन सिंह की सरकार वहां पर उस काल में हुआ करती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस काल में 15 पॉइंट्स लाए गए थे। तो हाँ, अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो आपको क्या होगा? इस 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो दो गलत है, तो दो यानी बी गया और डी गया, और एक और तीन सही, यानी आंसर आ गया इसका सी। ऐसा 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन 2017 में देखेंगे। मैंने बोला था ना, राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइट टू वोट जो है और टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, ये क्या है? तो ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरा मूल अधिकार है कि मैं जाके लड़ू, है ना? नेचुरल राइट भी नहीं है, लीगल राइट, ये अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो हुआ करता है, राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, है ना? राइट टू वोट, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि आप जो है वोट कर सकते हैं, है ना? लिखा है ना, एज 18 साल, 66 अमेंडमेंट से ये कर दिया गया था, बाकी 66 था कि 61 पता नहीं, देखते हैं बाद में, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और इस प्रकार से आगे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसाइज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे मैं आपको बोलूँ तो आपको दिमाग में आना चाहिए अनुच्छेद 23 और 24, है ना? तो 23 और 24 में क्या था?
प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, तो क्या ये था? मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी थी, तो बिल्कुल थी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आप कहोगे सर ये तो नहीं था, ये तो अनुच्छेद 17 के तहत था, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो दो इसमें गया, दो इसमें गया, दो इसमें गया, आंसर अपने आप आ गया सी 1 एंड 4। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, है ना, ये हमने देखा था उसमें। अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, है ना। तो ये एक थोड़ा सा पेक्यूलियर सा क्वेश्चन था, हालांकि जब मैंने 2017 में मेंस दिया था तो उस वक्त प्रीलिम्स दिया था, तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था, है ना। तो यहाँ पर राइट्स एंड राइट्स आर कोरिलेटिव विथ ड्यूटीज, राइट्स एंड पर्सनल आर पर्सनल हैज इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन्स, ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। यानी यहाँ पर मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में बात की गई है कि ये दोनों क्या है। तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, अंतर संबंधित हैं, है ना। आपको कुछ मूल अधिकार बने दिए गए हैं, परंतु आपके कुछ मूल कर्तव्य भी हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए। हालांकि मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना, कोर्ट आप जा सकते हो, पर अगर मूल जो कर्तव्य है उनका अगर आप उल्लंघन करते हो तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होता। तो ये हमने आज देख लिया कि संपत्ति जो है, इस संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है, अभी एक विधिक अधिकार रह गया है, ठीक है ना। और हमने देख लिया कि 9वीं अनुसूची क्या थी, और ये 9वीं अनुसूची कब लाएगी, 1951 में। पीएम कौन थे उस टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू जो थे उस टाइम हुआ करते थे, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से लाया गया था, जमींदारी सुधार करने के लिए ये लाया गया था, इतनी हमने चीजें देखी 9वीं अनुसूची। और 1973 में क्या हुआ, केशवानंद भारती और आईआर कोहिलो केस में क्या हुआ, वो सब मैंने आपको बता दिया है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहां से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई बंधु बांधव सखा मित्र दोस्त जो है यूपीएससी की, पीसीएस की, किसी की तैयारी कर रहा हो, निठल्ला बैठा हो, एकेडमिक्स की तैयारी कर रहा हो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जिसको पढ़ना हो, अच्छे से समझना हो, तो आप जरूर रिकमेंड कीजिए। और आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।